नमस्कार सभी को। तो जैसे आप देख सकते हो फार्म ट्रैक 45 सुपर मैक्स F27 मॉडल खड़ा है हमारे सामने। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और रिव्यू में मैं आपको उसकी पूरी डिटेल में नॉलेज जानकारी दूंगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा करके। और प्लीज़ लाइक जरूर कर देना वीडियो, आपको अच्छी लगे तो भी ना लगे प्लीज़ जब भी कर देना, क्योंकि एक एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें और प्रोत्साहित करता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो, पहले से अगर कर रखा तो उसके लिए थैंक यू। और ना क्या हो तो वीडियो नीचे लिखा आ रहा हुआ सब्सक्राइब उसको दबाकर बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसा आप देख सकते हो ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर में कर दिया पूरा, ठीक है ना, स्मार्ट सीरीज का ट्रैक्टर है और इसकी LED लाइट कर दी। और हम इसका पुराना जो 45 है उसका और इसका रिव्यू भी मतलब कंपेरिजन वीडियो भी डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप वो भी देखना। रोज़ 7:30 बजे वीडियो आती है। तो 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, बोस का इनलाइन पंप मिल जाता है, ठीक है ना, और इसमें एक डीजल फिल्टर मिल जाता है, ठीक है, वाटर सेपरेटर के साथ। तो इसमें अगर पानी की बूंद वगैरह होगी तो वो इसमें फ़िल्टर होकर रह जाती है। 60 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है जो कि इधर है इसका। और अगर हम ट्रैक्टर को लॉन्ग टाइम के लिए बंद कर रहे हैं तो हम इस स्विच से बंद करके कर सकते हैं ताकि हमारे ट्रैक्टर का ऑयल ड्रेन ना हो या बेकार ना जाए, ठीक है ना। अब हम टायर से शुरुआत करते हैं। जो उनका दूसरा मॉडल है उसमें 13-28 के टायर मिलेंगे, इसमें 13-28 के और इसमें 14-28 के टायर मिलते हैं, देख सकते हो आप। और इसमें गुड़िया के टायर मिलते हैं और आगे वाले 6-50-16 के टायर है, ठीक है ना, गुड़िया के ही। और इसमें एक्सल देख सकते हो, हैवी ड्यूटी एक्सल मिल जाता है, वो भी एडजस्टेबल। और इसमें पावर स्टीयरिंग मिलता है डुअल एक्टिंग, जो कि बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग भी बोल सकते हो। और ये सीरीज़ का सबसे बेहतरीन पावर स्टीयरिंग होता है, दोनों साइड रोड चलती है इसमें। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी वजह से आपके बोल्ट टूट जाए या ना निकल जाए किसी वजह से, तो आप हमारे फिर भी ट्रैक्टर को मोड़ के ला सकते हो चला करके, क्योंकि इसमें देख सकते हो खांचे बने होते हैं, इसमें कोई दांते टाइप नहीं होते। और इसकी LED जो बड़ी कर दी है, लाइट हैलोजन के साथ साथ LED लाइट भी कर दी, 4 ऊपर है 4 नीचे, 8 कर दिए, ठीक है ना। 45 सीरीज का 3D में फार्म ट्रैक लिखा हुआ है। और यहाँ इसमें आप नंबर प्लेट भी लगा सकते हो, उसके लिए भी प्लेट इसमें कंपनी ने ऐड करके दी है, आपको अलग से लगाने की जरूरत है। 2 पीस में बोनट मिलेगा इसका, जो कि एक आधा यहाँ से खुलेगा और आधा इधर से। और उसका डुअल बाथ एयर क्लीनर मिल जाता है जो कि ओल्ड वाला है, 12 वोल्ट की फार्म ट्रैक के बॉक्स के साथ इधर बैटरी मिल जाती है। और सेल्फ स्टार्ट मोटर मिलता है 2 किलोवाट का इसके अंदर, जो कि इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में सफिशेंट है। ट्रैक्टर का इंजन जो है 2900 cc का आता है 2200 rated RPM के साथ। और डुअल पंप मिल जाते हैं, एक पावर स्टीयरिंग पंप हो जाता है अगला, पीछे वाला जो होता है हाइड्रोलिक पंप होता है, इसे हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर मिल जाता है। ये ट्रैक्टर डुअल के लिए, सिंगल के लिए दोनों में ट्रैक्टर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ये डुअल के लिए ट्रैक्टर खड़ा है, ठीक है ना। और इसके अंदर LED पार्किंग लाइट, LED इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, जो कि ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है साथ में किसान को पकड़ कर चढ़ने के लिए। और इधर फुट पायदान मिलता है पकड़ कर चढ़ने के लिए, काफ़ी शानदार लगता है जो। और इधर PTO का गियर मिल जाता है इधर, और 4 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स मिल जाता है इधर, देख सकते हो हाई लो के साथ, ठीक है ना। और इधर हम PTO को अपने एडजस्ट कर सकते हो, कितनी स्पीड से उठाना कितनी स्पीड से नहीं, उसका लॉक मिल जाता है। ये हैंड ब्रेक इधर मिल जाता है इस ट्रैक्टर का, ठीक है ना। और सीट इसकी आप आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपने वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस ट्रैक्टर की जो PTO मिल जाती है 43 HP की मिलेगी, ये देख सकते हो इधर इस पर लिखा हुआ है। और आइए मैं दूसरी साइड से थोड़ा सा जो दिखा देता हूँ, इस ट्रैक्टर में आपको बोनट खोल के दिखा देता हूँ पहले। इनसे बोनट खुल जाएगा इसका, ये लीवर को आप दबा करके खोल सकते हो। इसमें कूलेंट मिल जाएगा 1 लीटर की हंडी, और पावर स्टीयरिंग की हंडी इसमें 1 लीटर की अलग मिल जाएगी, और फ्यूज़ बॉक्स भी इसका ही मिल जाता है, ठीक है ना। बड़ा रेडिएटर है और जाली के पास इसमें वो भी लगी हुई फोम, ताकि इसमें पानी की बूंद ना जा सके और हमारे ट्रैक्टर में धोने के टाइम के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है ना। इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं और आगे का खोलना हो तो आगे का इंसीच से खुलेगा, वो आगे का आगे रेडिएटर और प्लस एयर फिल्टर खोलने के लिए होता है बस, और जो कि काम होता है वो यहीं से हो जाता है। और सर्विस में भी काफ़ी अच्छा है। F27 का मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट में बताना। सुपर मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर है और काफ़ी बड़ा मिरर मिल जाता है इसमें, साइड मिरर ये देख सकते हो। 50 HP की लोगो दी गया है इसमें, पीछे DC की लीवर इधर देख सकते हो, एक ऑरेंज एक ब्लैक में दे रखा है। और इसमें पीछे एक एक्सोलरी वाल्व मिल जाता है, उसका लीवर यहीं से मिल जाएगा, आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। अगर कंप्यूटर मंजर चलाना चाहते हो या कंप्यूटर ट्रॉली चलाते हो तो इसी से ऑपरेट हो जाएगा। और इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हो स्विच के ऊपर रबड़ मिल जाती है, जो कि पानी बारिश वारिश का पानी से स्विच ख़राब नहीं होते। और इसका मीटर हैलोजन के डिजिटल के साथ साथ एनालॉग मीटर मिल जाता है, डिजिटल में इसमें आप यहाँ आवर्स आएंगे और एनालॉग मीटर मिल जाता है ट्रैक्टर, ठीक है ना। इस ट्रैक्टर का इंजन भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। और इसमें आई केयर बटन है 24/7, इधर देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ,
इसका बटन दूसरी साइड मिलेगा पहली तरफ बोनट के नीचे, उसे आप 7 सेकंड अगर दबा कर रखोगे तो कंपनी की ओर से आपको सीधी फ़ोन पर कॉल आएगी और 24 आवर्स के अंदर आपके यहाँ के कंपनी की ओर से बंदा सही करने आ जाएगा। ठीक है ना। उसमें ऑयल मिल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और पैर की एक्सीटर इधर मिल जाती है। ऑयल मिल डिस्क ब्रेक की पैचिंग में दिखा देता हूँ, इसमें शायद इधर इस ट्रैक्टर में नहीं दिखा रखी, लेकिन इसमें ऑयल मिल डिस्क ब्रेक मिलते हैं ट्रैक्टर में। और इधर देख सकते हो गियर की पोजिशनिंग सारी दिखा रखी है भी। ठीक है, हाथ की एक्सीटर इधर मिल जाती है और इसका स्टेयरिंग जो है अब सिंपल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडल मिल जाएगा अगर आपको दूसरे मॉडल में चाहिए। ठीक है ना। और इसका साइलेंसर जो है इसका पहले यूनिक लुक में जो पीछे पीछे आता था वही अभी भी आ रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा पीछे चल के देख लेते हैं इस ट्रैक्टर में और क्या मिल जाता है। तो उधर देख सकते हो इसमें एक्सल जो मिलता है काफ़ी हैवी ड्यूटी एक्सल मिलता है पीछे वाला भी। ठीक है, जो कि एक बड़े ट्रैक्टर के समान फील कराता है और काफ़ी मजबूती के साथ जो एक्सल दिखा रखा है इसका। ठीक है ना। और इसका जो पट्टी देख सकते हो कितनी हैवी पट्टी दी गई है इसमें। ठीक है ना। और इसे हम लॉक कर सकते हैं जो कि हिले जुलेगा नहीं। और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 किलो की है और इसमें पीटे जो मिल जाएगी रिवर्स पीटे के साथ आपको दोनों तरह की पीटे मिल जाएगी और 6 स्प्लिन पीटे टाइप मिल जाती है इसके अंदर ट्रैक्टर के। ठीक है, ट्रैक्टर का वज़न जो है 1940 किलो वज़न है और ट्रैक्टर 50 HP का है। और अगर कुछ भी आपको नॉलेज लेनी हो इस ट्रैक्टर के बारे में तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो, ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। इस पर कोई भी कॉल का चार्ज नहीं लगता, सीधा कंपनी से आप बात कर सकते हो। 5 साल की वारंटी मिलती है। ठीक है ना। सबसे पहले फार्म ट्रैक की कंपनी एक ऐसी थी जिन्होंने 5 साल की वारंटी दी थी। ठीक है ना। विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी ट्रैक यानी कि बाहर भी ट्रैक्टर सप्लाई करती है। और इसमें देख सकते हो टूल बॉक्स कितनी अच्छी जगह दे रखा है ट्रैक्टर का। और ये टूल बॉक्स जो है इसका लोहे का मिलता है ना कि फाइबर का, अक्सर कंपनी फाइबर का देती है। और इधर आप देख सकते हो ये इसमें रिफ्लेक्टिंग लाइट मिल जाती है और पीछे अगर ट्रॉली व्रोली में कोई इम्प्लीमेंट चलाते हो इलेक्ट्रिक वाला उससे आप इधर से करंट दे सकते हो। और इसमें एक वाल मिल जाता है एक्सोलरी वाल जो कि आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अगर दूसरा लगवाना चाहते हो तो दूसरा यहीं लग जाएगा। इसका ऑप्शन भी दे रखा है उधर, वो देख सकते हो मेरी उंगली के आगे जो है इसमें से निकल के इधर आ जाएगा। सिर्फ एक पाइप ही आपको ऐड कराना होगा, एक वाल भी, ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो आपको इसमें डबल भी कराना चाहते हो डबल भी हो जाएगा आसानी के साथ। ठीक है ना। इस ट्रैक्टर का जो कर्व वेट है मैंने आपको बताया 1940 किलो ट्रैक्टर का वजन है और इस ट्रैक्टर की जो रेटेड RPM 2200 रेटेड RPM मिल जाती है और 2900 cc का इंजन है ट्रैक्टर का। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा आइए मैं उसे ऊपर से दिखा देता हूँ ट्रैक्टर कैसा लगता है। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें 2500 रेटेड RPM दिखा रखे हैं इसमें और इसमें छोटे छोटे इंडिकेशन भी दिखा रखे हैं। इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये इंडिकेशन। ठीक है ना। इसमें अलग अलग जब आपका एयर फिल्टर लॉक हो जाएगा या सर्विस मांगेगा तो इसमें अलग अलग दिखाते हैं। 500 घंटे फार्म ट्रैक अपने ट्रैक्टर की सर्विस देता है क्योंकि 500 घंटे पे क्योंकि फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करता है फार्म ट्रैक, इसलिए 500 घंटे पर होती है। और इसका पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल गियर बक्से से ना लेकर अलग से जो दे रखा उसका बेनिफिट ये होता है, एक तो इसकी पावर स्टीयरिंग की लाइफ ज़्यादा चलती है और ये पावर स्टीयरिंग जब हम फुल कटिंग कर देते हैं तो अपनी BHP ड्रॉप नहीं करता। और अगर हमारा ट्रैक्टर किसी भी हिस्से टो करके लाना पड़ जाए स्टार्ट ना हो तो फिर भी इसका स्टीयरिंग मुड़ जाता है। आप देख सकते हो बंद है ट्रैक्टर, ये मुड़ रहा। ठीक है। और साथ स्टीयरिंग नहीं मुड़ते, वे फेल हो जाते हैं, इसको हम अलग से ही मोड़ करके ला सकते हैं। ठीक है। डुअल क्लिच और सिंगल क्लिच दोनों में ऑप्शन मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर के जो गियर की पोजीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपने अगर ना देखी हो। पहला गियर इधर मिल जाता है और दूसरा गियर इधर मिलेगा बीच में और तीसरा नीचे मिलेगा, चौथा इधर जाकर मिलेगा फिर, और रिवर्स गियर नीचे मिलेगा दूसरे के, मतलब बिल्कुल डिफरेंट। इस जो ट्रैक्टर को इसको चलाता है वो बहुत दिन तक तो पहले इसको सोचेगा किधर किधर गियर लगाने, फिर जाके इसके गियर पर आके उसको हाथ बैठेगा। ठीक है ना। अक्सर हम गियर जैसे डालते हैं पहले के नीचे दूसरा, दूसरे फिर तीसरा यहाँ होता है, चौथा आर की जगह होता है और रिवर्स इधर या इधर मिलता है। तो इसमें जबकि थोड़ा डिफरेंट दिखा रखा। तो आपको ट्रैक्टर फार्म ट्रैक कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और जो भाई फार्म ट्रैक चला रहे हैं या जिसको फर्स्ट फार्म ट्रैक है तो उसके क्या फीडबैक है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ट्रैक्टर का जो इसमें मतलब डीजल खपत आती है वो आती है 5 लीटर से 5.5 लीटर घंटे में फुल लोड पर, इससे ज़्यादा ट्रैक्टर डीजल नहीं लेता। ठीक है ना। और फार्म ट्रैक ने अपने ट्रैक्टर में प्राइस बहुत लो कर रखे है, बहुत ही सस्ता ट्रैक्टर प्रोवाइड करती है इतने फीचर के साथ। कोई भी कंपनी इतने फीचर के साथ आपको इतने फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो आपको फार्म ट्रैक ट्रैक्टर कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो ना लगी हो प्लीज़ जब भी लाइक कर देना,
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और क्योंकि मैं रोज़ 7:30 बजे वीडियो डाल देता हूँ, 7:30 से 8 बजे के बीच में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके वीडियो नीचे रेड कलर का आ रहा होगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर देना उसके बगल में, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।